सो दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप किसी नए इंसान से पहली बार मुलाकात करते हो, तब वो इंसान सबसे पहले आपका चांद का टुकड़ा, सुंदर मुखड़ा नहीं, सबसे पहले आपके जूते देखेगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और साइकोलॉजी के हिसाब से लोग आपके चेहरे को छोड़कर आपके जूते की तरफ क्यों देखते हैं, इसके कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, आपके सामने वाले इंसान को आपके आंखों में देखकर बात करने में शर्म आ रही होगी, क्योंकि उसके लिए आप एक बिल्कुल नए इंसान हो, इसी वजह से उसकी नजर आपके जूतों में रहती है। पर इन केसेस में अगर आप उस इंसान के साथ खुलकर बात करोगे जिस तरह आप अपने करीबी दोस्त या अपने फैमिली के साथ करते हो, तब उसकी नजर आपके जूतों से हटकर ऑटोमेटिकली आपके फेस में आ जाएगी, क्योंकि इस तरह से आप उसका भरोसा जीत लोगे। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके सामने वाले इंसान को आपके जूते पसंद आए हो, या फिर उनको आपके जूते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा हो, इसलिए वो आपके जूते को ताड़ते रहते हैं। तो लास्ट में यही कहूंगा कि जितना हो सके उतने अच्छे और साफ जूते पहनो, नहीं तो लोग आपके जूते को देखकर ही आपको जज कर लेंगे, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अबे इम्प्रेशन होता है वो। अच्छा, हमको सिखा रहा है।